सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग चार ऐसी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो आपके काफ़ी काम आएंगी, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों की बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारे आज के सारे प्रोडक्ट हैं वो इस बॉक्स के अंदर हैं। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मेरा टेप इसको काटते हैं। चलिए आपको मैं एक एक करके सामान दिखाता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आपको इसके बीच में मेटल मिल जाता है और साइड में प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, और ये आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास स्टैंड वगैरह नहीं होते हैं, तो आप बेसिकली इसको ऐसे स्टिक कर सकते हैं किसी भी जगह पर, और उसके बाद इस पर आप अपना फ़ोन ऐसे स्टिक करके वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने अनलॉक करके ऐसे आप ऐसे स्टिक करके किसी भी एंगल में रख के वीडियो बना सकते हैं आप अपने फ़ोन से। ये आपको 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट है ये है RGB LED लाइट स्ट्रिप। ये स्ट्रिप मैंने भी अपने टेबल्स पर लगा रखी है, मैं भी आपको इसको दिखाता हूँ। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये 5 मीटर्स लंबी स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं, और इसकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर सिलिकॉन की आपको कोटिंग मिल जाती है, साथ में सिलिकॉन की कोटिंग के साथ मिलता है ये, और वाटर रेजिस्टेंस भी है। इस पर अगर पानी वानी गिर जाए तो भी ये ख़राब नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मेरी टेबल पर भी यही लाइट्स लगा रखी हैं मैंने। आप देख सकते हैं ये लाइट्स मैंने लगा रखी हैं टेबल के नीचे। ये ऊपर भी मैंने यही वाली लाइट्स लगा रखी है इनके अंदर। ये पैनल मैंने कार्डबोर्ड से बनाए थे, इसमें भी यही RGB स्ट्रिप काट के लगाई है मैंने, और यहाँ दोनों टेबल्स पे लगाई है काट के बीच में से। तो चलिए अब आपको मैं वो स्ट्रिप जला के दिखाता हूँ और उसके कलर्स जला के दिखाता हूँ। चलिए अब इसको जला कर देखते हैं। ये इसको इसमें आपको एक कनेक्टर मिल जाता है, इसको आपको कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देना होता है ऐसे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके साथ आपको एक IR सेंसर भी मिल जाता है, जिससे रिमोट से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ आपको एक 12 वोल्ट का एडाप्टर भी मिल जाता है। चलिए इसको खोल लेते हैं। चलिए अब आपको इसे चला के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, पूरे एरिया में रोशनी कर देती हैं। अब देखिए जैसे कि मैं वाइट दबाऊंगा तो ये सारे कलर एक साथ जलेंगे, वो सेंसर उस साइड में है, देख सकते हैं आप ये वाइट है। ऐसे आपको वाइट नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं दूर से करूँगा तो ये वाइट ही दिखेगा। मेरी टेबल के भी कलर चेंज हो गए क्योंकि दोनों के सेंसर पास में ही हैं। फिर जैसे कि मैंने ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, सॉरी ग्रीन अभी राइट कर दिया, ये मैंने पिंक कर दिया। ऐसे तो आपको दो कलर जलते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली ये पिंक ही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइस, जो हमारा आज का तीसरा प्रोडक्ट है वो है ये RGB गेमिंग माउस। इसके साथ आपको एक CD मिल जाती है, इससे आप इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो ये मैं आपको फुल वीडियो में आपको इसकी बाद में दिखाऊंगा, पहले हम आपको माउस दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके साथ आपको 2 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको आप गेम खेलते समय फॉरवर्ड, बैक या फिर जंप की तरह किसी भी चीज़ की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये माउस आपको 1600 DPI से लेकर 3200 DPI तक एडजस्ट हो जाता है। ये इसमें 4 DPI मोड्स हैं। चलिए अब मैं इसको आपको बस ऑन करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट करिएगा। चलिए अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ, इसको अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बस अभी ऑन हो रहा है लैपटॉप, देखिए ये जल चुका है। ये आपको फुल मैट फिनिश में मिल जाता है, आप देख सकते हैं
पूरा मैट फिनिश में है, और नीचे आपको ये मेटल की बॉडी मिल जाती है यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो रहा है नीचे सेंसर का। सो गाइस, तो चलिए अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये मुझे ऑफ़र में ₹360 का पड़ा था अमेज़ॉन पर, जिसका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लूटूथ हेडफोन्स। चलिए इसको ऑन करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी ईयर्स के हिसाब से छोटा बड़ा करके। और ये आपको काफ़ी सॉफ्ट से फोम के साथ मिल जाता है ऊपर, इससे आपके सिर में दर्द नहीं होने वाला है। भारी भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। चलिए इसको ऑन करते हैं, आपको पास में आता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया साउंड आता है। चलिए भाई मैं आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, बस के सिग्नल्स का वेट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं SS12 के नाम से ये आ चुका है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें गाना बजाते हैं। और अगर आपको इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए गाना बजाते हैं ज़रा। ये मोबाइल से वॉल्यूम फुल कर दिया है, और इससे भी आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम बढ़ा के और ज़्यादा हो जाता है। ये वॉल्यूम फुल हो गया आपको सुना था। आपको काफ़ी दूर से भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। इससे आप कॉल उठा भी सकते हैं, इससे कॉल काट भी सकते हैं, इससे आप वीडियो अगला गाना भी बजा सकते हैं। अगर इस पर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो अगला गाना प्ले हो जाएगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो वापस वही वाला गाना प्ले हो जाएगा, और इससे गाने को पॉज कर सकते हैं। जैसे कि बज रहा है और मैं ये दबाऊँगा तो गाना पॉज हो जाएगा, दिखाता हूँ, दबाऊँगा प्ले हो जाएगा, और फिर से दबाऊँगा पॉज हो जाएगा। इसका लुक भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ ये। चलिए तो फिर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फिर इसका प्राइस आपको ₹500 पड़ेगा, जिसका बाय लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।